नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 से 15 सितंबर तक जनपदों में जो कैंप लगाए जाएंगे, उसमें जिला स्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए लोन स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए सरकार फीस एक्ट लाने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि फीस एक्ट इस प्रदेश का वह संकल्प है, आम विभागों को किसी भी कीमत पर ठगने नहीं दिया जाएगा। इस एक्ट के पीछे जो सरकार की भावना है वह किसी को फायदा पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इस उद्देश्य से ऊपर उठकर हम काम कर रहे हैं। अगर कोई स्कूल बच्चों को सुविधा देता है तो वो फीस ले सकता है, हम उसको नहीं रोकेंगे। जो स्कूल अभिभावकों और बच्चों को सुविधा नहीं दे सकता वो फीस नहीं ले सकता है। फी एक्ट इसे प्रदेश का वह संकल्प है कि जो आम अभिभावकों को किसी कीमत पर ठगने नहीं दिया जाएगा, और इस एक्ट के पीछे जो सरकार की भावना है वह किसी को फायदा पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना, इस उद्देश्य से वो बहुत ऊपर उठकर हम काम कर रहे हैं। अगर जो कोई स्कूल अभिभावकों को उनके बच्चों को सुविधा देता है तो जो सुविधा देता है वह फीस वो ले सकता है, हम उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन जो स्कूल बच्चों को अभिभावकों को जो सुविधा देता ही नहीं है उसकी वह फीस नहीं ले सकता। इस प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए फी एक्ट बड़े मन के साथ बनाया जा रहा है, और उसमें टेक्निकल जो बाधाएं थी उसको हम लोगों ने समाप्त लगभग कर लिया है। जो अभिभावक एसोसिएशन है उनके माध्यम से भी और डीएम के माध्यम से भी सब पक्षों को समीक्षा करके रिपोर्ट मंगा ली गई है। बहुत जल्दी हम इसको कैबिनेट में लाके हम इसको विधानसभा सत्र में हम एक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रही है। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने आज भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय स्तर के लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हर बूथ से 2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार दल के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते इस कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, नेशनल हेल्थ वॉलेंटियर कैंपेन। उसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का हमने अभियान लिया है। हर बूथ से 2 कार्यकर्ता ऐसे हम प्रशिक्षित करेंगे। उसी प्रशिक्षण के क्रम में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। कल यहाँ देहरादून में हमारे प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण, जिसमें हर जिले से 5 कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, और अगले 10 दिन में हर जिलों में प्रशिक्षण होगा जिसमें हर मंडल से 5 कार्यकर्ता आएंगे, और उसके अगले 10 दिन में हर मंडल में प्रशिक्षण होगा जिसमें हर बूथ से 2 कार्यकर्ता आएंगे। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो लगभग हम 25,000 कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रशिक्षित करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर को हम उसका मुकाबला कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, समाज सजग और जागरूक होगा, कोरोना पराजित होगा, देश विजयी होगा। भले ही कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हो, पर भारतीय जनता पार्टी 18 और 19 अगस्त को उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से भगवानपुर तक अगले दिन हरिद्वार जिले में स्वागत यात्रा का आयोजन करने वाली है। ये जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी विनय रोहिला ने दी। जो माननीय केंद्रीय मंत्रीगण है उनके क्षेत्रों में आशीर्वाद जन यात्रा का पूरे देश में आह्वान हुआ है, तो आदरणीय अजय भट्ट जी जो हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री बने हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आशीर्वाद जन यात्रा का शुभारंभ 18, 19, 20 तारीख में हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद के अंदर किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अजय भट्ट जी और उनके साथ आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जो प्रभारी हैं प्रदेश के, श्रीमती रेखा आर्य जी, पूरे माननीय प्रदेश के मंत्रीगण, महामंत्रीगण भाजपा के, और माननीय मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, धन सिंह रावत जी और माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेयर, चेयरमैन और जितने भी हमारे फ्रंटल के, मोर्चों के, प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता हैं, पूरी यूनिट
सभी लोग उनका स्वागत करने वाले हैं। ये यात्रा रामपुर तिराहे पर पहुंचेगी, वहां पर वो जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उस प्रकार बॉर्डर और विभिन्न कार्यक्रमों को करते हुए 12 स्थानों पे कार्यक्रम करके भगवानपुर में हम उनका स्वागत करके प्रस्थान करेंगे। फिर देहरादून में प्रदेश कार्यालय में प्रेस होगी, जिसमें 6 विधानसभाएं सम्मिलित होंगी। अगली विधानसभाएं हम हरिद्वार से अगले दिन फिर वो यात्रा हरिद्वार में आएगी और हरिद्वार की यात्रा का समापन होगा, फिर अगली यात्रा अगले जनपदों में जाएगी। यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्टजी आर एम का स्वागत समारोह है, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के विधायकगण, सभासदगण में प्रतिभाग करेंगे। और कोरोना का मैं समझता हूँ पूरी तरह पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, और कार्यकर्ताओं द्वारा जो है सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। और ये यात्रा मैं समझता हूँ कि एक सफल यात्रा का आशीर्वाद के रूप में रहेगी, जो हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया है उत्तराखंड को अजय भट्ट जी के रूप में, इनको जो है मेन मंत्रालय दिए, चाहे वो पर्यटन विभाग हो चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चार धाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हुए धाम के कारोबारी बद्रीश संघर्ष समिति के बैनर तले हुई बद्रीपुर में महापंचायत हाथ में कटोरा थामकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय कारोबारियों का कहना था कि कोरोना संकट से पिछले 2 साल से धाम सहित अन्य पर्यटन तीर्थांकन कारोबारी का कारोबार ठप है, भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। बद्रीपुरी के कारोबारी प्रदेश सरकार ने उन्हें कटोरा पकड़ाकर सड़क पर भी मांगने के लायक बनाकर रख दिया है। इससे ज्यादा बेहतर दिन सरकार हमें और क्या दे सकती है। मैं आज उत्तराखंड सरकार को पूरे चारधाम निवासियों की तरफ से ये चेताना चाहता हूँ कि आपने जो इस प्रकार का निर्णय लिया है कि पूरे पर्यटन स्थल आपने खोले हुए हैं, केवल आप चारधाम को बंद करने का जो आपका षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका खामियाजा आपको 2022 में बहुत बड़े पैमाने पर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जब आपने इतनी मेहरबानी कर दी है तो बद्रीनाथ धाम में कुछ भीख मांगने के कटोरे आप जरूर हमें दे दें, क्योंकि हमारे पास वो खरीदने के भी अब पैसे नहीं रहे हैं। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आप हमसे भीख मंगवाना चाहते हैं तो निश्चित ही हम चारों धाम में भीख मांगकर अपना पालन पोषण करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का, केंद्र सरकार का, इतने अच्छे दिन दिखाने के लिए। चार धाम यात्रा से जुड़े हुए हर एक समुदाय के लोग आज आकर्षित हो चुके हैं उत्तराखंड सरकार के खिलाफ, ये हमारा आंदोलन है। सरकार चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करे, इनका कहना है कि हाईकोर्ट में सारा मामला पड़ा हुआ है और हम लोग लगे, लेकिन अभी तक जो भी हाईकोर्ट के नतीजे आए हैं उनमें तो बस यही दिखने को मिला है, सिर्फ तारीखें आगे बढ़ रही हैं। ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं जा रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ नहीं जा रहे हैं। मेरा सरकार से कहना है कि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। मेरा स्थानीय विधायक से, पर्यटन मंत्री से, उत्तराखंड सरकार से सबसे ये सवाल है कि क्यों इस यात्रा पर प्रतिबंध है। सरकार को जो है चारधाम यात्रा शुरू करनी चाहिए, जहाँ तक सरकार जो है सारा ठीक रहा हाईकोर्ट पे फोड़ रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, अपनी तैयारियाँ नहीं करने के कारण जो है सरकार जो है ठीक रहा हाईकोर्ट पे फोड़ रही है। कहीं ना कहीं सरकार को अपना तैयारी को लेकर, अपने अगर बद्रीनाथ में माने कोविड पेशेंट मिलता है तो उसके लिए क्या तैयारी सरकार की है, ये तैयारी लेके सरकार को हाईकोर्ट में जाना चाहिए और निश्चित तौर पे चारधाम यात्रा को खोला जाना चाहिए। और स्थानीय जो हम स्थानीय लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, सबको रोजगार मिलना चाहिए और निश्चित ही सरकार को चारधाम यात्रा खोलनी चाहिए। सरकार से मेरा एक बिल्कुल एक सवाल रहेगा, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे लिखा है बद्रीनाथ की चारधाम यात्रा शुरू करो, ये सिर्फ हमारे कहने से आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन चारधाम यात्रा हमारी बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको यहाँ पे आना बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या करें हम, हमारा सिर्फ एक ही उपाय है कि बेरोजगारी आपके पास, बेरोजगारी को खत्म करने का तरीका क्या है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा शब्द है, मैं मानता हूँ इस कोरोना काल में कोरोना से बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और बेरोजगारी खुलेगी कैसे, आपके पास कोई उपाय है? आप कहते हो हम 200 करोड़ का पूरे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में जो हम लोग करेंगे मुआवजा देंगे, लेकिन ये मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा? क्या उसमें हम ट्रैकिंग कंपनियों को मिलेगा? क्या उसमें किसी प्रसाद वाले को मिलेगा? क्या उसमें किसी फोटोग्राफर को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपके पास अपने जो आपकी बात है उसको समझने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा है ही नहीं हमारे पास कि जो हम आपकी बातें समझ पाए। सिर्फ मेरा एक ही सवाल है सर, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपको चारधाम यात्रा जल्द से जल्द खोलनी पड़ेगी, अन्यथा ये आंदोलन अभी बहुत सूक्ष्म रूप से हो रहा है, लेकिन आज से ये आंदोलन इसके और बड़ी हम इसको और बड़े स्तर पर ले जाएंगे।
मसूरी स्थित शिव कॉलोनी और अन्य स्थानों पर विगत कई वर्षों से पानी का संकट बना हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार विभाग को अवगत कराया, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई और स्थानीय लोगों को दूर दूर से पानी भरना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के साथ आज समाजसेवी पंडित मनीष गोयल के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों द्वारा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की गई। इस क्षेत्र में शीघ्र जलापूर्ति सुचारू की जाए ताकि यहाँ के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना न पड़े। मसूरी विधानसभा में जब भ्रमण में था तो शिव कॉलोनी की समस्या सुनी, काफ़ी लंबे समय से उनकी पानी की समस्या थी। 300 सीढ़ियां 90 की ढलान में कि वहां से उनको पानी आना ले आना पड़ता था, तो उनकी समस्या देखकर जब मैंने उनका जल निगम संस्थान से मैंने बात करी देहरादून में, तो उन्होंने बोला एक साल पहले टेंडर हो चुका था, पर अधिकारी इतने सुस्त थे कि वो सोए बैठे थे और जिनको टेंडर दिया गया था वो भी सुस्त थे, क्योंकि अप्रैल उसमें गर्मी टाइम में काम हो सकता था, पर उन्होंने काम को ढीले रखा। उसके बाद मैंने आज मसूरी में आकर जल स्थान में अधिवन साहबंता को मैंने ज्ञापन दिया और उसमें ज्ञापन देकर मैंने उनसे मांग करी जल्द से जल्द इसका काम किया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका टेंडर हो चुका है और बरसात के जैसे ही बरसात खत्म होती है उसका काम इनका शुरू हो जाएगा और तुरंत इनको कनेक्शन दिया जाएगा। राव जी, आज जो है समाज सेवी द्वारा जो शिव कॉलोनी है उसकी पानी की समस्या लेकर आपको एक पत्र दिया गया है, और किस तरीके की समस्या है और कैसे इस काम को पूरा करेंगे आप? शिव कॉलोनी में काफ़ी परिवार रहते हैं जिनकी समस्या विगत काफ़ी वर्षों से बनी हुई है। उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा संबंधित क्षेत्र में जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, तो जब वो लाइन बिछा देंगे तो उसके बाद ही उनको पानी प्रॉपर तरीके से उपलब्ध हो पाएगा। लगभग कितना समय लग जाएगा? अभी उत्तराखंड पेयजल निगम से वार्ता हुई है, तो ये वर्षा ऋतु के बाद ही वो वहाँ पर लाइन बिछाने का काम प्रारंभ करेंगे। लगातार हो रही बारिश से देहरादून मसूरी मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर मलबा आने से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है, जिससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से मार्ग में मलबा आने का सिलसिला जारी है और हर समय दुर्घटना का भय बना हुआ है। वहीं लाइब्रेरी किंगरेक मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा ढह जाने से कुछ समय के लिए मार्ग बाधित रहा। मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं अधिकारी से बातचीत करके हम जंगलनावत के पैटर्न पर उसको ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। विभाग लगातार रेड मूड पे हैं, यहाँ पर हमने 4 JCB लगा रखी हैं। जहाँ कहीं भी देखिए प्रकृति को आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन विषय यह है कि आपदा के बाद हमारा तंत्र किस त्वरित गति से काम कर रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में हमारी हर विभाग में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं कोई घटना घट रही है हम स्वयं जा रहे हैं। परसों मुझे एक जगह मैं नंगे पांव भी गया, क्योंकि वहाँ पर इतना पानी था कि चप्पल पहन जा नहीं सकते थे। तो इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, इस बात को दर्शाता है। बीते 2 साल से लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 109 की हालत अब बद से बदतर है। हाईवे का बेहद धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी वजह से आए दिन यात्री परेशान हो रहे हैं, साथ ही वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। पूर्व के दिनों में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। 2 साल हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर हाईवे का काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और जान जो है जोखिम में। यहाँ पर जो राहगीर चल रहे हैं वो अपनी दावत दे रहे हैं यहाँ पर, और इसके लिए हमने कई बार जो है शासन प्रशासन को लिखित में इसकी सूचना भी दी है और सरकार जो है इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, और जिससे आए दिन जो है यहाँ पर दुर्घटना का कारण बना हुआ है। और जल्दी जल्दी अगर इसमें कोई इस तरह के गड्ढे अगर भरे नहीं गए या ये रोड यहाँ पर नहीं बनाई गई, तो हम लोग इसमें एक जो है बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी कि जल्दी से जल्दी बन जाए। और दुर्घटनाएँ बहुत हो रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले तो आए दिन एक्सीडेंट हो गए, कोई कोई तो कैजुअल्टी मर भी रहे हैं, और गाड़ियों में बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, जाम लगता कभी कभी तो बहुत देर तक जाम लगा रहता है, नुकसान तो है ही बहुत ज़्यादा, और प्रदूषण भी है, धूल धक्कड़ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार देगा जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी रोड बने, यहाँ के लोगों को तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों से निजात मिले। ये तो लगभग 3-4 साल हो गए, बीच में चलता है थोड़ा सा, 10-5 दिन चलता फिर बंद हो जाता। बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएँ आए दिन की दुर्घटनाएँ का तो रोज़ दूसरे तीसरे दिन आए दिन
खबरें आती रहती हैं। और बुलेटिन के अंत में जान लेते हैं मौसम का हाल। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आज कहीं ना कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।